दोस्तों राम राम। मुझे उम्मीद है कि तो दोस्तों कपड़े सूख चुके हैं, मैं उन्हें इकट्ठा कर ले आती हूँ और मैं इकट्ठा करके लेके अब अंदर जा रही हूँ कपड़ों को लेके, क्योंकि बच्चों के मेरे तो ढेर सारे कपड़े धुले थे। तो दोस्तों गुड़िया भी आ चुकी है, बिट्टू तो हमेशा आप देखते हो चिल्लाती चल के आती हूँ। तो निकिता भी आ चुकी है, डुब्बू को ले लिया इसने डायरेक्ट, बच्चे के लिए बड़ी खुश रहे फटाफट फैल रही है। तो दो पैर के करीब तीन बज चुके हैं, वो सामने में जेठानी जी नहा रही है और इधर को सास अब अंदर तैयारी कर रही है, आप देख रहे हो वो शांति करेगी। अब शाम का टाइम हो गया, मैं फटाफट से घर में झाड़ू दे देती हूँ, तो देख रहे हो आप पहले अंदर की फिर बाहर जाऊँगी। तो देते देते मैं बाहर आ चुकी हूँ झाड़ू बारी, तो क्या शाम के एकदम कचरा हो जाता है, सुबह झाड़ू पूजा हो जाता है, फिर वही दिन भर दोबारा हो ही जाता है। बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना झाड़ू बारी दे देती हूँ, ठीक है। तो ये अपना अपना उम्बा कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं, और मैं फटाफट से जाके दूध ले आती हूँ फिर, ठीक है। ये ब्लॉक इतना ही रहेगा, सुबह स्टार्ट। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, तो सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7 बज गए ऊपर हो गया। तो ये लड़की निकिता अभी आई है घर से, इसमें मैंने चढ़ा दिया तेल क्योंकि आज बनाऊंगी मैं दाल चावल, आज है संडे। तो बच्चे बोल रहे हैं दाल चावल बना देना। तो देखो बिट्टू प्याज टमाटर काट रही है, कट मत जाना बेटा ना। और ये देखो इसमें क्या क्या माल है, ऑन दे कर दो पन्नी। ये मिलता है आंगनवाड़ी से पोषण। तो ये अपने मिर्च का मसाला पकड़ा है, इसमें मेरी दाल उबाली है मैंने, आज मूंग की दाल बना रही हूँ। तो दोस्तों इसमें चढ़ा दिया मैंने चावल और इसमें मेरी दाल छोंक दिया मतलब उबलेगी, और मैं इसमें डाल दिया पूछा क्योंकि आधा पूछा लग गया, फिर बीच में दाल बनाने लग गई थी। और अब पूछा दे देते हैं, ठीक। तो दोस्तों मैं दे रही हूँ बाहर पूछा, आप देख रहे हो पहले बाहर की किचन में दे देते हैं, उसमें सब्जी और वो बन रहा है इसलिए, और बाकी अब ओटड़े पे देना फटाफट से दे देती हूँ, क्योंकि आधा अंदर तो मैंने पहले ही दे दिया था, फिर बीच में और काम करने लगी थी, आप देख रहे हो तो चावल और वो दाल बनाने लग गई थी, तो उसमें टाइम लग गया, ठीक है। हम इसके बाल बड़े हो गए, मेरे काम करती हूँ टाइम लग जाता है। आप तो मेरे छम्मो बाहर बनाने का, मैं अंदर ही खड़ी क्योंकि छुट्टी है, तो बनाने का हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपनी दाल उबल रही है धीरे धीरे, धीमी गैस पे चल रही है और इसमें कुकर बन चुके हैं मैंने गैस और सॉरी चोरन मेहनत कर रखी। इनको अंदर रख रहे क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा ही घूमते हैं जो उनकी ख़राब कर देंगे तिरपाल। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ टाइम पे छत पे, धूप भी निकल रही है अच्छे से, और मैं अभी खाट को रसोई के अंदर रख देते हैं क्योंकि धूप तेज़ी से पड़ रही है, धूप पड़ रही है उसकी वजह से क्या ख़राब हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं बाण वगैरह, तो इस वजह से अंदर रख देते हैं इसको खाट को, शाम के टाइम निकाल लेते हैं रात को और वापस डाल देते हैं, इसको अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बनाऊंगी खाना रसोई, तो इस वजह से अब तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से, पहले तो छानूंगी आटा वगैरह सब। तो दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दिया आटा छानना, आटा छान लेती हूँ फटाफट से और फिर रोटियाँ बनाऊंगी, ठीक है। दोस्तों मैंने आटा भी लगा लिया है, आटा लगा के फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, बिट्टू भी जा चुकी है क्योंकि मैंने रोटी सेक ली, उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, बनाया नहीं था मेरा, बिट्टू थी नहीं ये बना देती है मेरी वीडियो, नीचे चली गई थी मोबाइल लेके देखने के लिए, अभी आई है। तो मैं रोटी बना के अब नीचे जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दीदी आप गंवा रुपये ऐसे वीडियो डालती हो। और दोस्तों भाई अपने घर गृहस्थी का ब्लॉग ही तो डालते हैं, और कैसे डालते हैं भाई, अपना डेली रूटीन का भाई, जो जो गृहस्थी में चलता है परिवार में रहकर, अपन जो काम करते हैं और कैसे रहते हैं, कैसे परिवार के साथ रहते हैं भाई, कैसे जो भी हमारा काम दिनचर्या रूटीन वर्क शाम सुबह का,
दिन में तो आपको पता ही है मैं चले जाती हूँ ऑफिस पर, शाम को तो रहती हूँ। और कुछ बहन कह रही थी कि आपने आप ऐसी डाली थी वीडियो, तो उन पर कुछ बहनों ने कमेंट वगैरह भी दे रखे हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो दूध वाले का कमेंट दिया था, और एक में बताया था कि दीदी आप पूरे मकान में पोछा नहीं देते हो क्या। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वो कहते हैं ना कभी वो दे देती है दौरानी जी, कभी मैं दे देती हूँ, तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहते हो कि दीदी आप पूरे मकान में पोछा नहीं देती हो, कि ये कमेंट थोड़ा अजीब सा लगा था मुझे भी देखने पे, कि आप है ना हर टॉपिक को पकड़ते हो, पॉइंट पॉइंट को पकड़ के जजार उस पर कमेंट करते हो। हाँ मुझे अच्छा लगा कि आप नोटिस करते हो कौन सी चीज़ कब क्या हो रही है, घर में कौन क्या कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग कहते हो कि दीदी आप गंवारों की जैसे बोलते हो। अब दोस्तों भाई जैसे मेरी लैंग्वेज है वैसे ही बोलूँगी, और कैसे बोलूँगी, क्या मैं गंवारों की जैसे बोलती हूँ? मैं तो बोलने से पहले ही सोचती हूँ भाई आपसे कोई गलत वर्ड ना निकल जाए, गलत शब्द ना निकल जाए जिससे आपको ठेस लगे और मुझे भी क्या अजीब लगे भाई बाद में आप मैंने ऐसे बोला था। अगर आपको किसी बहन को या किसी भाई को गलत लगा हो किसी फ्रेंड को, तो उसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है, तो अपना ये ब्लॉग इतना ही रहेगा, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, बाय।